News 18, India. आरजेडी ने तेजस्वी यादव के लिए नई मुहिम अब शुरू कर दी है। बिहार के बड़े फैसलों को तेजस्वी यादव की देन बताया है और इसे लेकर पार्टी की तरफ से विज्ञापन तक जारी कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। बिहार में सियासी भूचाल इस वक्त आया हुआ है, लेकिन अब आरजेडी ने अपनी रणनीति को बदल दिया है। ये पोस्टर भी जरा आप देख लीजिए, आरजेडी ने तेजस्वी यादव के लिए एक नई तरह की मुहिम इस पोस्टर के जरिए शुरू कर दी है। जो बड़े फैसले इससे पहले लिए गए वो बता दिया कि ये तो तेजस्वी यादव की ही देन है और इसे लेकर पार्टी की तरफ से विज्ञापन जारी कर दिया गया। तो देखिए, बिहार में आज की सियासी हलचल कैसे रहने वाली है, क्या बड़ा खेला होने वाला है और सियासत कैसे करवट बदलेगी, आज की पूरी टाइमलाइन एक एक करके आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए से, समझिए। सबसे पहले शुरुआत सुबह 9 बजे से हो जाएगी, जब बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। इसके ठीक एक घंटे बाद यानी सुबह 10 बजे आप देखेंगे जेडीयू विधायक दल की बैठक होगी और दोपहर से पहले पहले एनडीए विधायक दल की भी बैठक होने वाली है। दोपहर 12 बजे का आपके बारे में आपको बताएं तो नीतीश कुमार इसी वक्त इस्तीफा दे सकते हैं राजभवन पहुंचकर, और 3 बजे के करीब नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। दोपहर 3 से लेकर 4 बजे के बीच शाम के वक्त में नीतीश कुमार जो है वो शपथ ले सकते हैं। तो ये आज की पूरी टाइमलाइन होगी और अगर ऐसा होता है तो नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। और इधर बिहार में एनडीए की नई सरकार का फॉर्मूला भी अब तय माना जा रहा है। सूत्र ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार पहले राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप देंगे और फिर उसके बाद फिर से सरकार बनाने का दावा भी पेश कर सकते हैं। खबर ये भी है कि नीतीश कुमार के इस्तीफा देते ही बीजेपी अपना समर्थन पत्र उन्हें सौंप सकती है और फिर जिसके बाद शाम को नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ एक बार फिर से ले सकते हैं। उनके साथ ही जेडीयू बीजेपी के कई विधायक मंत्री पद की भी शपथ ले सकते हैं। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि सरकार में बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम होंगे। इसके साथ ही विधानसभा स्पीकर भी भारतीय जनता पार्टी के कोटे में ही होने वाला है। और अरुण ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरुण, इन सबके बीच में माना तो ये जा रहा है कि फॉर्मूला तय हो चुका है, लेकिन आरजेडी भी आप देखिए कि अब रणनीति बदल रही है, लेकिन पोस्टर जारी कर देने से संख्या बल तो मिल नहीं जाएगा। अब कांग्रेस के जो 19 विधायक हैं वो बहुत बड़ी मजबूत कड़ी के तौर पर आरजेडी के लिए देखे जा सकते हैं, लेकिन उनकी खबर क्या आपके पास कोई है? क्या सबका फोन मिल रहा है या फिर अब उनका भी कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है? देखिए, पहली बात तो है कि जो तेजस्वी यादव ने पोस्टर वार शुरू किया है उसके पीछे उनकी रणनीति ये नहीं कि वो सरकार बचा ले, उसके पीछे उनकी रणनीति है कि अगले लोकसभा चुनाव में फिर बिहार विधानसभा चुनाव में जब जाएंगे तो वो कह सके कि हमने अपने घोषणा पत्र में 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था और वो तेजस्वी का विजन था जो उन्होंने 2.5-3 लाख के आसपास नौकरियां दे दी, जिसमें उत्तर प्रदेश के अलावा बाकी राज्यों के लोग भी आकर के बिहार में नौकरी उन्होंने पाया है। एक तो वो उसको शोकेस करेंगे अपनी सफलता को। दूसरी बात है, आज की जहां तक तो संकेत यही है कि एक मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम, सिर्फ 3 की शपथ होगी। पूरा मंत्रिमंडल शायद 2-3 दिन बाद शपथ ले पाएगा, वो आज नहीं ले पाएगा जब राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। उसमें तमाम जो दिक्कतें हैं, क्योंकि कॉस्ट कॉम्बिनेशन बैठाना होता है आपको, क्षेत्र वाइज आपको तय करने होते चेहरे कौन से, कौन कितनी बार का विधायक है, इन सब बातों में थोड़ा समय लगता है। तो बीजेपी और जेडीयू की तरफ से जो लिस्ट है वो राजभवन को बाद में भेजी जाएगी। आज शपथ ग्रहण में नीतीश कुमार के साथ 2 डिप्टी सीएम ही शपथ लेंगे। जहां तक आपने बताया कि जो आरजेडी खेला करने की बात कह रही है, देखिए नीतीश कुमार बहुत अनुभवी नेता हैं, जब वो जाएंगे इस्तीफा देने तो साथ ही साथ उनके पास एनडीए की संख्या बल का स्पष्ट एक कागज होगा जिस पर सारे विधायकों के दस्तखत होंगे, जो संख्या 125 के आसपास बताई जा रही है। तो अगर 125 विधायकों की अगर साइन की हुई लिस्ट वो राज्यपाल को देते हैं तो राज्यपाल के विवेक पर होगा कि वो आरजेडी जो सबसे बड़ा दल है और अगर वो दावा पेश कर दे तो दोनों के बीच में से किसको बुलाएं, और हमेशा उनका विवेक ही होता है। मुझे ऐसा लगता है कि संख्या बल बीजेपी और जेडीयू के पास होगा, इसलिए राज्यपाल नीतीश कुमार को नेता जब एनडीए का चुन लिया जाएगा तो संभवतः उनको ही शपथ के लिए बुलाएंगे। ये एक तरह से लगभग क्रिस्टल क्लियर है, इसमें किसी तरह के खेला होने की कोई संभावना अभी नहीं दिखाई दे रही।